Masam bisa. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज का व्लॉग होने वाला है लगन, शादी और शादी के बाद होने वाले रिचुअल्स के बारे में. आज मेरी दीदी का मेहंदी फंक्शन है, लेकिन साथ ही उसका लगन भी है, तो हम लगन लेके उसके ससुराल जाएंगे. नहीं नहीं, भी निकलवा दीवार में. अभी हम सब तैयार होके निकल चुके हैं हमारे घर से. हमारे घर से मेरी दीदी का ससुराल सिर्फ 10 मिनट दूरी पे, तो हमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली. लगन वाले दिन भी मुझे सेम बारात लेके जाने वाली जैसी फीलिंग आ रही है. तो अभी हम दूल्हे के घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे. नाश्ता करके सब लोग लगन लेन देन में बैठ चुके हैं. मेरी चाची आगे लगन ले रहे हैं और हम सब लोग पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं. अभी मैं आपको अपने सारे कजन्स दिखाती हूँ. तो गाइस, ये फूल मेरे दर्शकों के लिए. हाय गाइस, इन सबका नाम बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको जिसका भी नाम पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो. कंटेंट कंटेंट, फाइनली कंटेंट. बोटल चुक बड़ो आगो ब्लड में यो नहीं आ. ठीक है, खूब देख रहे हो गाइस. जूस लेंगा मैं, पकड़े इसको पकड़ो. और कुछ जो जूस पसंद का पाइनएप्पल. यार लगन का प्रोग्राम पूरा हो चुका है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे और डांस करेंगे. कुछ बच्चे खाते हुए भी क्यूट लगते हैं, उनमें से ये एक है. यहाँ फोटो खिंचाते खिंचाते इस लड़की ने यहाँ गैलरी का सामान ही गिरा दिया. जहाँ भी जाती है तोड़ फोड़ मचा देती है. हम सुबह 11 बजे यहाँ आए थे और अब शाम हो चुकी है, तो हम घर वापस जा रहे हैं. गिफ्ट और कलर के साथ हमारी विदाई हो रही है. हम सब घर वापस पहुँच चुके हैं. यहाँ मेहंदी की डेकोरेशन हो रखी है. अब इतनी रात को फोटोज तो नहीं खींच सकते, लेकिन डांस तो कर ही सकते हैं. ये अगले दिन की रात का वीडियो है, क्योंकि पूरे दिन में कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाया. और अभी रात को दीदी की बंदोरी निकलने वाली है, वो भी ताऊजी के घर के. यहाँ से पहले पूरी फैमिली और रिलेटिव्स खाना खाएंगे, उसके बाद में डांस करते हुए घर जाएंगे. मैं तो यही खाऊंगा. हम सब हमारे घर पहुंच चुके हैं.
मेरी बुआ मेरी दीदी के पैर पीटी से साफ कर रही है, उसके बाद में उसका संगीत प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज मेन शादी का दिन शुरू हो चुका है। ये सब मेरे मामी मामा जी है जो कि भात भरने आए हैं। यहाँ ढोलक बजा के इनका स्वागत किया जा रहा है। भात का प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। ये लोग यहाँ पे कन्यादान लिखने के लिए बैठे हुए हैं। और इधर पे जो भी चीजें दीदी अपने साथ लेके जाने वाली है उनका प्रदर्शन लगा हुआ है। अरे क्या मस्त नजारा है, देखो टेंट हमारा, टेंट देखो टेंट। ये हमारे खेत का टेंट पूरा लग चुका है और मैंने बोला था कि जब पूरा लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। इधर पे है हमारी पार्किंग इस खेत में। दूल्हे की एंट्री दुल्हन के घर में हो चुकी है। दूल्हा दुल्हन खाना खा के अब बस मंडप में बैठने वाले हैं और अभी रात के 3 बज चुके हैं। ये मंडप हमारे चौक के बीचों बीच बना हुआ है और मेरे मामा जी दीदी को मंडप में बिठाएंगे, ये एक रिवाज है। पिछले 2 घंटे से मंत्र जाप हो रहा है और मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। दीदी अपने ससुराल पहुँच चुकी है और अब उसका गृह प्रवेश हो रहा है। ये एक गेम है जिसमें दूल्हा बिना बजाए इन थालियों को रास्ते से हटाएगा। फाइनल ग्रह प्रवेश हो चुका है और अब दीदी और जीजाजी बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। अब ये नीम की लकड़ी से मारने वाला गेम होने वाला है जिसको शॉर्ट शॉर्ट की बोलते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग के सारे एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।